उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से बड़ी खबर। खबर बाराबंकी जनपद से, जहां बाराबंकी पुलिस द्वारा कुटरचना हेराफेरी कर विद्युत विभाग में उपभोक्ता के बिल के रुपए को बिना जमा किए गबन कर अपराध कारित करने वाले गैंग लीडर चल अचल संपत्ति कीमत लगभग 1,02,00,000 रुपए 87,000 को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। थाना फतेहपुर पर पंजीकृत 278 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के गैंग लीडर रजनीश कुमार पुत्र स्वर्गीय चंद्रका प्रसाद निवासी मोहल्ला लकपेड़ा बाग, जो विद्युत वितरण खंड फतेहपुर 3/11 केवी उपकेंद्र बाराबंकी में लेखाकार के पद पर नियुक्त तथा नियुक्ति के दौरान 8 नग रसीद बैंकों को राजस्व रसीद निर्गमन पंजिका में कूट रचना हुआ हेराफेरी कर अवैध रूप से अन्य कर्मियों को निर्मत दिखाकर इन रसीद बुकों को बिजली विभाग में बिना भौतिक रूप से जमा किए रसीदों की वापसी दिखाते हुए उक्त रसीदों के माध्यम से उपभोक्ताओं का जमा किया गया करोड़ों रुपयों का गबन कर लिया गया, जिससे विद्युत विभाग के राजस्व की भारी हानि हुई है। इस तरह आपराधिक कृत्य कारित कर अवैध तरीके से धनोपार्जन कर अवैध चल अचल संपत्ति अर्जित की गई थी। बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उक्त संपत्ति को अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया। वार्ड संख्या 3630/2022 सरकार बनाम रजनीश कुमार अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में दिनांक 10/11/2022 को जिलाधिकारी न्यायालय जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 16/11/2022 को प्लाट नंबर 183 पर 21 वर्ग फीट पर निर्मित 3 मंजिला मकान स्थित ग्राम बड़ेल रजनीश कुमार गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ के अंतर्गत जिसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उसका यह मकान विधिक रूप से कब्जे में लिया गया। सरकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आज जनपद बाराबंकी में एक पावर कारपोरेशन के रिटायर्ड और बर्खास्त किए गए अकाउंटेंट के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा कायम किया गया था, जिसमें उसके घर की आज कुर्की की गई है। भ्रष्टाचार द्वारा कमाए गए धन से निर्मित इस मकान की कीमत 1 करोड़ से अधिक पाई गई और उसको 14(1) के तहत कुर्क कर लिया गया है और इसके अन्य संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। इसके द्वारा जो 2 कारें खरीदी गई थी उन कारों को भी कुर्क कर लिया गया है। अन्य संपत्तियों का पता लगाकर शीघ्र ही उनको भी 14(1) के तहत कुर्क किया जाएगा।